नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर ऐसा टॉपिक, ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो क्वेश्चन मतलब बार बार हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा जा रहा है, और वैसे भी मतलब कई बार पूछा जाता रहा है। तो वो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लड़का और लड़की यानी कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो कोर्ट मैरिज करने के बाद में क्या उनके घर वाले उनके ऊपर FIR करवा सकते हैं क्या? तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन का मैं इस वीडियो के अंदर आंसर देने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में घंटी को जरूर दबाएं जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई बात पूछनी होती इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर से जरूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ कि बार बार मुझसे ये क्वेश्चन किया गया, तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि लड़का और लड़की दोनों अगर बालिग हो जाते हैं, और बालिग हो जाने के बाद में अगर वो कोर्ट मैरिज करते हैं, तो कोर्ट मैरिज करने के बाद में उनको डर रहता है कि कहीं उनके घर वाले उनके ऊपर FIR नहीं करवा दे, कोई केस वगैरह नहीं करवा दे। तो ऐसी स्थिति में उनको मतलब काफ़ी डर रहता है। तो इसी डर का समाधान मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या उनको डरने की आवश्यकता है क्या। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ऐसे ही कई केस जिनका जजमेंट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आ चुका है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, यानी कि कई केसों के अंदर, ऐसे जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कोई भी लड़का और लड़की यानी कि आपसी सहमति से, यानी कि वो बालिग हो चुके हैं और वो मतलब अपने मनपसंद किसी भी साथी से वो शादी कर सकते हैं, तो इसमें मतलब उनके घर वाले भी उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनके घर वाले भी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, वो अपने मनपसंद साथी से शादी कर सकते हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कई आदेशों के अंदर ये बात कही है, जिसको आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को, किसी कपल को अगर डर है कि उनके घर वाले शादी करने के बाद में उनके ऊपर कोई केस वगैरह कर देंगे, तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब किसी भी कपल को घबराने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि उनके ऊपर कोई केस नहीं होने वाला है। सभी को एक अधिकार है कि वो अपने मनपसंद साथी से शादी कर सकता है, तो यहाँ पे मतलब घबराने की आवश्यकता कहीं पे भी नहीं है। ये कई केसों के डिसीजन में आ भी चुका है, हाई कोर्ट के में भी, सुप्रीम कोर्ट के में भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी समझ में आ गई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई बात पूछनी होती इस वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर जरूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आगे भी इस चैनल के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे लीगल से रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं, और अब से पहले भी आ चुके हैं, आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो इसलिए मैं फिर से बता दूंगा, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में घंटी को जरूर दबा दीजिए जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाए। तो आगे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।